नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह उत्तर प्रदेश के झांसी का ग्वालियर रोड का नज़ारा है और सामने जो आप देख रहे हैं श्री सिद्धेश्वर पीठ आश्रम झांसी, झांसी का प्राचीन महादेव जी का मंदिर का स्थान है। यह ग्वालियर हाईवे है, यहाँ बहुत सारा जो विकास हो रहा है वह विकास अब देखते बनता है, क्योंकि जो जंगली इलाका था अब वह खूबसूरत इलाके में परिवर्तित हो गया है। यह ग्वालियर रोड की तरफ जाने वाला मार्ग है और इसके ठीक सामने यह आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ राजकीय इंटर कॉलेज झांसी, गेट नंबर 3। हम आपको इस गेट के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी के लिए एक जो बड़ी सौगात दी है, उस सौगात का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके बारे में हम दिखाते हैं। क्या सौगात है और कैसा निर्माण कार्य चल रहा है यह हम आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं। ये जो आप निर्माण कार्य देख रहे हैं, दरअसल यह राजकीय इंटर कॉलेज झांसी है, GIC इंटर कॉलेज जिसे कहते हैं, झांसी का सबसे प्राचीन। और ठीक सामने आप जो पहाड़ देख रहे हैं वहाँ पर आपको मेजर ध्यानचंद जी की प्रतिमा भी लगी हुई है। हम आपको जो बता रहे थे कि जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने झांसी के लिए जो बड़ी सौगात दी है वह दरअसल यह है कि राजकीय इंटर कॉलेज में अब मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य चल रहा है। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा चारों तरफ बाउंड्री से घिरा हुआ है, यह स्टेडियम के लिए पार्किंग का स्थान बनाया जा रहा है। जी हाँ, जब यहाँ पर जो गाड़ियाँ आएंगी, यहाँ पर जो लोग आएंगे उनकी ये पार्किंग की व्यवस्था है और ये बड़ा मैदान है, इसको अब समतलीकरण किया जा रहा है और 80 करोड़ रुपए की लागत से इस मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य चल रहा है। और यहाँ पर ये जो आप मजदूर देख रहे हैं जो वर्क कर रहे हैं, ये गार्ड रूम बनाया जा रहा है। ये चिलचिलाती धूप, 43 डिग्री से ऊपर पारा, लेकिन मजदूरों की मेहनत पर कोई असर नहीं क्योंकि उन्हें तो काम करना ही है। ये देख सकते हैं आप, ये जो मैं जैसा कि मैं बता रहा था कि जो साइकिल, टू सीटर और अन्य जो स्थान होंगे उसके लिए स्टैंड का स्थान है यह, और यहाँ से स्टेडियम का यहाँ आपको अंदर का नज़ारा दिखाई देगा। और सामने जो आप देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, बहुत तेज़ी से निर्माण कार्य जारी है क्योंकि इस मिनी स्टेडियम के इस साल बनकर तैयार होने की तैयारी है, ताकि यहाँ पर जो बुंदेलखंड की प्रतिभाएं हैं, बच्चे हैं, उन्हें मौका मिल सके खेल में अपने हुनर दिखाने का, कई प्रकार के यहाँ पर खेल का आयोजन हो सके, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल कूद प्रतियोगिताएँ हैं वह बुंदेलखंड की धरती झांसी पर आयोजित हो सकें, इसके लिए GIC के ग्राउंड में यह मिनी स्टेडियम बनाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए झांसी के बारे में कि झांसी में ध्यानचंद स्टेडियम जो बना हुआ है, उसके बाद अब यह दूसरा मिनी स्टेडियम होगा झांसी के लिए। अभी फ़िलहाल इसका जो आप समतलीकरण का कार्य देखेंगे, समतलीकरण होना है और यहाँ पर बैठने के लिए दर्शकों की दीर्घाएँ होंगी। मैदान काफ़ी बड़ा है क्योंकि यहाँ पर दो मैदान हैं। और एक चीज़ हम आपको और जानकारी दे दें कि ये वही मैदान है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुलायम सिंह यादव, राहुल गांधी समेत तमाम ऐसे बड़े नेता जिन्होंने यहाँ पर सभाएं की हैं और यहाँ पर कई सारे राजनीतिक रैलियाँ हुई हैं, अब इस स्थान पर बच्चों के खेलने के लिए जो आयोजन होंगे उनका फिलहाल निर्माण कार्य चल रहा है। और यह ठीक सामने आप देखेंगे, यहाँ बैठने के लिए, दर्शकों को बैठने के लिए दीर्घा बनाई जा रही है। यह आप देख सकते हैं कि जो स्टेडियम में जब कार्यक्रम होंगे, प्रतियोगिताएं होंगी, तब दर्शकों को बैठने के लिए इस प्रकार के जो दीर्घाएँ आमतौर पर बनाई जाती हैं वह बन रही हैं और ये ग्राउंड के चारों तरफ बनाई जा रही हैं। ये सामने भी देख सकते हैं, वहाँ भी दीर्घा बन रही है और यहाँ से आप देखेंगे तो दूर तक आपको निर्माण कार्य होता नज़र आ रहा होगा। और ठीक सामने यह राजकीय इंटर कॉलेज की वो ऐतिहासिक बिल्डिंग है जो 100 साल पहले बनाई गई थी और आज यह बदले लुक में बहुत खूबसूरत नज़र आती है। और देख सकते हैं कितना तापमान है, इस समय करीब 45 डिग्री के करीब तापमान है, लेकिन यहाँ पर
निर्माण कार्य निर्बाध रूप से जारी है। सामने देख सकते हैं जेसीबी मशीन चल रही है जिससे मैदान को समतलीकरण किया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि फिलहाल बुंदेलखंड के झांसी में एक बड़ी सौगात जो कि मिनी स्टेडियम के रूप में मिली है, जल्द ही इसके निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा और यहाँ पर जो आयोजन होंगे उससे खेल की प्रतिभाएं जब निकल कर पूरे देश का नाम रोशन करेंगी तब आपको बहुत गौरव के पल महसूस होंगे। मार्केट संवाद आपको हर पल की ताज़ा अपडेट के साथ जुड़े रखता है और बताता है कि उत्तर प्रदेश के झांसी सहित तमाम जगहों पर क्या क्या हो रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि कल ही झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने जो विकास कार्यों की समीक्षा की उसमें स्टेडियम के निर्माण कार्य की भी जानकारी ली थी। तो फिलहाल यहाँ पर बहुत तेज़ी से काम जारी है और जल्द ही आपको झांसी में स्टेडियम की मिनी स्टेडियम की सौगात मिलेगी। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को जितना धन्यवाद हो उतना बुंदेलखंड की जनता के लिए होगा और सरकारों को भी है। हम कोशिश करेंगे कि जब यह स्टेडियम बनकर तैयार हो जाए उसके बारे में फिर हम आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।